This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Syed Ali Chabutra near Shah Ghaz Hotel. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है A18 तेलंगाना न्यूज़ के ख़ास खबरनामे पर। आज 5 जून सैटरडे का दिन है, आइए नाज़रीन देखते हैं आज का ख़ास खबरनामा। लॉकडाउन के सबब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार देखने मिला है, क्योंकि लॉकडाउन लगने से कोरोना पेशेंट्स कम रिपोर्ट हुए हैं। थर्सडे के दिन डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ DPH डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने ऐलान किया कि तेलंगाना रियासत में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स 6% से 4% कम हो गए हैं और पिछले 3 हफ्तों में बेड्स 55% से खाली किए जा रहे हैं और सब ठीक होकर घर लौट रहे हैं। 50% तेलंगाना के ICUs के बेड्स खाली है, फिर भी एहतियात बरसते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट खम्मम, सूर्यापेट और महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट पर खास नज़र रखे हैं। DPH और हेल्थ सेक्रेटरी इन डिस्ट्रिक्ट पर दौरा करेंगे, क्योंकि इन डिस्ट्रिक्ट से कोरोना पेशेंट ज्यादा पाए जा रहे हैं और ये डिस्ट्रिक्ट्स आंध्र प्रदेश के बॉर्डर लाइन से मिलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गांव के इलाकों में लॉकडाउन को सख्ती से अमलावारी बनाया जा रहा है, जबकि शहरी इलाकों में लॉकडाउन को मजाक में लिया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के दरमियान 636 डॉक्टर्स की मौत हुई है, जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तेलंगाना के मुताबिक 34 डॉक्टर्स की मौत हुई है तेलंगाना रियासत में, और सबसे ज़्यादा दिल्ली में मौतें हुई हैं डॉक्टर्स की। 109 डॉक्टर्स कोरोना के दूसरी लहर के दौरान ड्यूटी अंजाम देते वक्त कोरोना से इंतकाल कर गए। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस तेज़ी के साथ फैल रहा है तेलंगाना रियासत में। जो भी कोरोना वायरस से रिकवर हुए हैं वो ब्लैक फंगस से मुतासर हो रहे हैं। करीब 50 केसेस ब्लैक फंगस के रोज़ाना दर्ज हो रहे हैं और करीब 1100 पेशेंट्स इलाज में हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ज़्यादातर डायबिटीज़ से मुतासर पेशेंट्स को कोरोना हो रहा है। 90% पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स ट्रीटमेंट देने से ब्लैक फंगस हुआ है। रोज़ 20 पेशेंट्स ठीक होकर घर लौट रहे हैं नोडल सेंटर गांधी और गवर्नमेंट ENT हॉस्पिटल से। डॉक्टर राजा लिंगम सुप्रीडेंट ने कहा कि म्यूकोरमाइकोसिस पेशेंट्स की आँख को असर कर रहा है। अभी तक 20 पेशेंट्स के आँख का इलाज किया गया, जिसमें से 10% पेशेंट्स की आँखों की रोशनी चली गई है इलाज के दौरान। बताया जा रहा है कि आँखों की रोशनी खोने की वजह दवाई की कमी है। हैदराबाद के पुराने शहर में मुगलपुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर रवि कुमार को फ़ोन करने वाले आसिफ इकबाल के ख़िलाफ़ हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी किए। आसिफ इकबाल के ख़िलाफ़ पुलिस ने इंस्पेक्टर रवि कुमार के फ़ोन पर उनकी वर्दी उतरवाने की धमकी और बदकलामी से पेश आने के जुर्म में सेक्शन 186, 189, 353, 506, 504, 153 AIPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस केस की तहकीकात के लिए डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रंजीत गौड़ को जिम्मेदारी दी गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने तहकीकात करने वाले मुगलपुरा DI रंजीत गौड़ से कहा कि अमन व शांति को बरकरार रखते हुए इस केस की तहकीकात करे। वाज़ेह रहे कि आसिफ इकबाल ने मुगलपुरा इंस्पेक्टर को फ़ोन करते हुए फिरका परस्ती जैसे संगीन इल्ज़ाम लगाए थे और ये कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। पिछले 24 घंटों में इंडिया भर में 1,20,529 नए COVID-19 पेशेंट्स दर्ज किए गए और 3,380 लोगों की मौतें हुई हैं इस COVID-19 के सबब। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत की गिनती में और कोरोना की गिनती में गिरावट आई है और ये राहत वाली खबर है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने जुमे के दिन रात को एक शख्स को गिरफ्तार किए जो गैर कानूनी तरीके से COVID-19 RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट्स धोखे से बता रहा था। बिना सैंपल्स लिए बिना टेस्ट किए कोरोना सिम्टम्स वाले पेशेंट्स की रिपोर्ट को COVID-19 नेगेटिव बताया जा रहा था। उस शख्स का नाम मोहम्मद गौस है, जो ऑल केयर पॉलीक्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर क्रिस्टल टाउन वेंचर पर वाक़ है, वहाँ काम करता था बनलागुड़ा चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के तहत। गौस हर किसी से 1,200 रुपये लिया करता था COVID-19 टेस्ट के लिए और COVID-19 के रिपोर्ट्स बिना टेस्टिंग के नेगेटिव बताता था। जैसे ही ये इतला मिलते ही डिकॉय ऑपरेशन टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया रुद्र भास्कर SHO चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन की निगरानी में। इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया और तहकीकात जारी है।
आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खसूसी होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, DGP M महेंद्र रेड्डी, IPS डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना श्री अंजनी कुमार, IPS कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए तफसलात बताई। जो कर्फ्यू टाइम में जो छोड़ा जा रहा है उसके अंदर भी पुलिस जो है चालान कर रही है। तो आप एक बात देख लीजिए, आप लोग बहुत सारे मीडिया में देखते हैं, सारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर भी लॉकडाउन है इस तरह सख्ती किया जा रहा है। लॉकडाउन का मकसद कभी भी हुकूमत नहीं चाहती है कि लॉकडाउन कायम रहे, कभी भी हुकूमत कर्फ्यू के मुखालिफ रहती है और हमारे CM साहब तो इसके बहुत मुखालिफ है। मगर लॉकडाउन जब ये बीमारी कोरोना बीमारी COVID-19 की वजह से हज़ारों लोगों की मौत होते हो रही, उसको रोकने की जो तरीका है वो सिर्फ लॉकडाउन है, लोग एक दूसरे से दूर रहे, उसके लिए थोड़ी बहुत अगर पुलिस सख्ती नहीं करेगी तो लोग कंट्रोल में नहीं आते। मगर हम हमारे ऑफिसरों से कहते हैं कि आप फ्रेंडली बात कीजिए, जहाँ तक हो सके उनसे प्यार से मोहब्बत से बात कीजिए, कि बाजाबा तरीके से हमारे आने वाले CM साहब और मैं खुद और हमारे DGP साहब और कमिश्नर साहब भी सबसे यही कहते हैं, और किसी किसी से कोई छोटा मोटा वाकया तो था और चालान का एक ही मैं आपसे गुजारिश है कि लॉकडाउन के टाइम तक कोई गाड़ी मत बाहर निकालिए। लॉकडाउन अब 2 बजे तक है, आप 2 बजे के बाद भी 4 बजे फिरते रहेंगे रोडों पर तो ज़रूर पुलिस चालान कर सकती है। टाइम में कहीं भी अगर चालान किया गया तो चालान के अंदर टाइम रहता है, मेरे पास लाइए सब। जिस तरीके से अंजनी कुमार साहब जो है उनकी पुलिस वालों की हौसला अफजाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों TRS से आए दिन चेक पोस्ट पर पहुंच के उनकी हौसला अफजाई अभी तक क्यों नहीं करे सब? देखिए सब, पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हर तरीके से हौसला अफजाई की बात नहीं है। लैंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए पुलिस के IS ऑफिसर अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है तो इमीडिएट DGP साहब और कमिश्नर साहब से बात करते हैं, वो लोग जाकर स्पॉट पर जाते हैं, वहाँ पर जो भी चीज़ें उसकी तहकीकात की जाती है। उसके बाद अच्छी तरीके से पुलिस का एक ही मकसद है आवाम की खिदमत करना, उसके लिए मुकम्मल तरह से After successfully spreading education since 12 years, renowned educationalist Mr. Partha Sarthi, Director Success Junior College brings you Success Junior College for Girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for Women affiliated to Osmania University, latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty members. Courses offered for degree students: BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students: MPC, JEE and MCET, YPC, NEET and MCET, MEC, CACMA, CEC, CACMA, CEC Computer and Regular. 100% scholarship assistance. Transport facility available. Hurry up, admissions are open. Success Junior College for Girls, Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.